वालेकुम। ग्रेड 9 हमारा बायो का सेकंड चैप्टर और क्लास हमारी आज 7th क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोग ने सर्कुलेटरी सिस्टम तक कवर कर लिया था। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आर्टेरियल सिस्टम। आर्टेरियल सिस्टम सिस्टम ऑफ आर्टरीज को कहते हैं। आर्टरीज का फंक्शन हम सबको पता है क्या होता है। आर्टरीज का फंक्शन के वो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं। हमारे पास कितने टाइप्स की आर्टेरियल सिस्टम होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं आर्टेरियल सिस्टम के। 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक पल्मोकुटेनियस आर्टरी, एक कैरोटिड आर्टरी और एक सिस्टमिक आर्टरी। पल्मोकुटेनियस आर्टरी हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है लंग्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है लंग्स में और स्किन में। यहाँ पे ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो यहाँ पे स्टे करता है लंग्स और स्किन में रह जाता है, और वहाँ पे जितना भी ऑक्सीजन होता है वो ब्लड के साथ वापस हार्ट में आ जाता है। सेकंड हमारे पास है कैरोटिड आर्टरी। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके सप्लाई करती है, और ये कहाँ पे हेड का जो वेरियस पार्ट्स हैं उधर ये सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हेड में हमारे पास आई, ईयर्स, हेड मसल्स और ब्रेन वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, लास्ट हमारे पास सिस्टमिक आर्टरी है। ये हमारे पास पल्मोकुटेनियस आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी तो उन्हें सप्लाई करती हैं ब्लड, और जो हमारे पास सिस्टमिक आर्टरी है ये ब्लड कैरी करती है। कहाँ से? सारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से ये ब्लड कैरी करती है, सिवाय हेड और लंग्स के, यहाँ से ब्लड कैरी नहीं करती। इसके अलावा जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से ब्लड कैरी करती है। सॉरी, सिस्टमिक आर्टरी भी ब्लड की सप्लाई ही करती है। हमारे पास जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है सारे बॉडी पार्ट्स में सिवाय हेड और लंग्स के, इनके अलावा सारे बॉडी पार्ट्स में ये ब्लड सप्लाई करती है। सिस्टमिक आर्टरी जो स्मॉल आर्टरीज होती हैं वो कंबाइन होकर हमारे पास एक लार्ज आर्टरी बनाती हैं जिसको एओर्टा कहते हैं। और फिर जो एओर्टा है ये हमारे पास स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जो हमारे पास फोर लिम्स, हाइंड लिम्स और जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे जाते हैं। आर्टरीज हमारे पास टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स ही हैं। ये भी बताया था कि हमारे पास 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज, एक आर्टरीज और एक वेंस। एक दफ़ा फिर से मैं समझा देती हूँ। हाँ, आर्टेरियल सिस्टम सिस्टम ऑफ आर्टरीज को ही कहते हैं। इसमें आर्टरीज क्योंकि ये आर्टरीज से मिलकर बना है। इसमें आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है कि ब्लड जो हमारे हार्ट में जितना भी ब्लड होता है उसको हार्ट से लेकर जाती हैं दूसरे बॉडी पार्ट्स में। 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसके। 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, एक पल्मोकुटेनियस आर्टरी, एक कैरोटिड आर्टरी और एक सिस्टमिक आर्टरी है। जो पल्मोकुटेनियस आर्टरी है ये हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ सप्लाई करती है? स्किन और लंग्स में। वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो? तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो लंग्स और स्किन में दे के वहाँ पे जितना भी ऑक्सीजन होता है वहाँ वो ऑक्सीजन ले लेती है, और फिर ये वापस हार्ट में आती है। फिर हार्ट ये आर्टरीज सॉरी ये जो है ब्लड कैरोटिड आर्टरी और सिस्टमिक आर्टरी में सप्लाई करता है। तो कैरोटिड आर्टरी हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है कहाँ पे? हेड के पोर्शन में। हेड के पोर्शन में जितने भी ऑर्गन्स हैं, आई, नोज, टंग, ये सब, लिप्स, ब्रेन, हेड मसल्स, इन सब में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कैरोटिड आर्टरी करती है। जो सिस्टमिक आर्टरी है ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है। इसके अंदर ये कहाँ पर सप्लाई करती है? पूरे जितने भी हमारे पास बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है सिवाय हेड और लंग्स के, इनके अलावा बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में ये ब्लड की सप्लाई करती है। ये हमारे पास आर्टेरियल सिस्टम ऑफ फ्रॉग की डायग्राम है जो पेज नंबर 55 पे है। ये रही हमारे पास 3 आर्टरीज, एक कैरोटिड आर्टरी, पल्मोकुटेनियस आर्टरी और सिस्टमिक आर्टरी। इन तीनों का फंक्शन बता दिया। पल्मोकुटेनियस आर्टरी हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है स्किन और लंग्स में, वहाँ से ऑक्सीजन ले लेती है। कैरोटिड आर्टरी हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है कहाँ पे? जितने भी हेड रीजन है, हेड रीजन में ब्लड सप्लाई करती है, उसमें हमारे पास ब्रेन, आइज, हेड मसल्स, ये सब आ जाते हैं। सिस्टमिक आर्टरी हमारे पास लंग्स और हेड रीजन के अलावा जितना भी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पर ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है। आज यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वीनस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।